भैंसों से खचाखच भरा यह नजारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर की है। इन नजारों को देखकर अब आप यही सोच रहे होंगे कि जहां विद्यार्थियों को होना चाहिए वहां इतनी बड़ी संख्या में भैंसें क्या कर रही है। आपको बता दें कि मध्य विद्यालय भगवानपुर के परिसर में मौजूद ये भैंस बंदी बनाए गए हैं। गौरतलब हो कि यह नजारा सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर मध्य विद्यालय की है, जहां सैकड़ों की संख्या में भैंसों को बंदी बनाकर रखा गया है। आरोप है कि पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर किसानों द्वारा की जा रही मक्का गेहूं आदि की फसल को इन भैंसों ने चट कर लिया है, जिसके बाद मुआवजे को लेकर आधा दर्जन किसानों ने इन भैंसों को बंदी बनाकर विद्यालय परिसर में कैद कर दिया है। फसल क्षति के मामले के निष्पादन को लेकर भैंस मालिकों, पीड़ित किसानों व जनप्रतिनिधियों के बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रीत महेंद्र मेहता व अन्य किसानों को उचित मुआवजा देकर मामले का निष्पादन कर भैंसों को कैद मुक्त कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय सरपंच वीरेंद्र पासवान ने बताया कि फसल क्षति के आरोप में भैंसों को बंदी बनाकर रखा गया था। पंचायत के बाद भैंसों को कैद मुक्त कर दिया गया है। क्या मामला था? अभी सैकड़ों की संख्या में भैंस को बंदी बनाई गई थी, क्या कहेंगे? भगवानपुर पंचायत के कुछ किसान जैसे उपेंद्र मेहता, महेंद्र मेहता का कोसी तटबंध के अंदर जो 5 बीघा में मकई का फसल लगा हुआ था, जिसमें कोसी तटबंध के अंदर से गोबरगढ़ा का किसान का भैंस लगभग सैकड़ों से ज़्यादा भैंस आके पूरा मकई का नुकसान किया और मकई का फसल तोड़ के पूरा बर्बाद किया, जिसमें हम लोग पंचायत में मामला लेकर उनको निष्पादन कर दिया गया। वही किसान महेंद्र मेहता ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में भैंसों ने बीती रात मक्का की फसल को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसको लेकर इन भैंसों को बंदी बनाया गया था।